भिंड जिले के इंदोरखी गांव में जहरीली शराब से चार मौतों के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। शराब कांड को लेकर कांग्रेस में मतभेद दिखा। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के जरिए शराब से हुई मौतों को लेकर जहां पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अवैध शराब फैक्ट्रियां, गांजा, स्मैक तस्करों का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि इंदोरखी शराब कांड के बाद भिंड एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। भिंड जिले में जो चार मौतें हुई जहरीली शराब से, निश्चित तौर पे ये बहुत निंदनीय घटना है। और जो जिले में चार जो है असमय जो मौतें हुई हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ भिंड पुलिस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक आदेश जारी किया था कि जिस जिले में या जिस जगह जहरीली शराब अगर पकड़ी गई या बिकती नजर आई, वो निश्चित तौर पे पुलिस एसपी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पुलिस अधीक्षक पर निश्चित तौर पे कार्रवाई मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। घटना के बाद भिंड पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और सभी लगातार शराब माफियाओं को और अफीम बेचने वाले उन पर कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार मैं जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि शराब माफिया, रेत माफिया और स्मगलिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।